हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपको जिस प्रोडक्ट की रिव्यू देने वाली हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है केया शेड शाइन एंड सिल्क हनी शैम्पू। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो शैम्पू है, मैं इसे अभी यूज़ कर रही हूँ। और यूज़ करने का रीज़न यही है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ, लोटस हर्बल, वो मैं ऑनलाइन से ख़रीदती हूँ। और लॉकडाउन की वजह से मुझे वो शैम्पू नहीं मिल रहा है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि मुझे बहुत ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हर्बल शैम्पू यूज़ करती हूँ अपने बाल को क्लीन करने के लिए। मुझे एक हर्बल शैम्पू की बहुत ज़रूरत थी और मैंने मार्केट से इस शैम्पू को चूज़ किया है। मैं इस शैम्पू को 3 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि थोड़ी ही बहुत बाकी है खत्म होने पर। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि इसको यूज़ करने के बाद मेरी हेयर बहुत ही ड्राई हो गया है। मेरे बाल इतने ड्राई हो गया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और आप अगर कहोगे कि कंडीशनर क्यों नहीं यूज़ करती, तो मेरे बालों में इतना प्रॉब्लम है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कंडीशनर यूज़ करने से मना किया है। फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे पता है कि हर्बल शैम्पू थोड़ी हेयर को ड्राई करते हैं, लेकिन इतना ड्राई नहीं कि मैं अपने हेयर पर कंघी तक नहीं चला पाऊँ। एक तो मेरे बाल बहुत ही फीजी है और ऊपर से अगर इस शैम्पू की वजह से मेरे बाल इतने ड्राई हो जाए, तो आप लोगों को पता होगा कि कितने हेयर फॉल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी तरह आप लोगों को इस शैम्पू से नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे जो नुकसान हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि रिव्यू का मतलब ये है कि मैं यूट्यूब पे जाके कोई भी शैम्पू को सर्च करूं और देखूं कि इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट है या नेगेटिव रिज़ल्ट है। और ज़्यादातर जो रिज़ल्ट है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जो फील हुआ, मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है और आगे भी करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज मेरी केया शेड शाइन एंड सिल्क हनी शैम्पू की रिव्यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।